Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम क्लास 12th की एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए. इससे पहले याद रखिए कि टॉप 10 मेरा रेफरल कोड है. टॉप 10 के इस रेफरल कोड से आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इस 10% डिस्काउंट से आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और साथ ही साथ इस टॉप 10 के कोड से आप स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस, टेस्ट सीरीज, इन सारी चीज़ों का फ्री कंटेंट अनलॉक भी कर सकते हैं अनअकैडमी पर. तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज का सेशन. पिछले वीडियो में 6th क्लास, 7th क्लास, 8th, 9th, 10th, 11th तक मैंने चीज़ों को डिस्कस किया था. अब मैं क्लास नंबर 12th जो है वो डिस्कस कर रही हूँ. तो क्लास 12th में हमारे पास दो किताबें हैं. एक तो है इंडिपेंडेंस वाली, पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटी वाली, जो कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी. इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस उसका नाम है. दूसरी बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसके अंतर्गत आपका इंटरनेशनल रिलेशन का कंटेंट है. तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में हम आज बात नहीं करेंगे. आज हम इंडिपेंडेंस वाली जो बुक है, इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडियन पॉलिटी आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो वाली बुक की बात कर रहे हैं. तो ये जो बुक है, इसमें जो फर्स्ट लेसन है आपका, वो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जिसमें बताया गया है कि जस्ट आफ्टर पार्टीशन इंडिया को कितनी प्रॉब्लम्स आई और जो हमारा सेकुलरिज्म का एक नेचर है उसको बहुत बड़ा चैलेंज मिला. दूसरा चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस. इस वाली बुक में आपको कांग्रेस के डोमिनेंस के बारे में और उसके रूल के बारे में बताया जा रहा है. थर्ड चैप्टर है पॉलिटिक्स इन ऑफ प्लान डेवलपमेंट, जिसमें प्लानिंग कमीशन और इंडिया के अलग अलग वेरियस प्लान्स के बारे में बताया गया है. फोर्थ लेसन में इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशन, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन, हमारा जो नैम का मुद्दा है वो सब डिस्कस किया गया है. फिफ्थ लेसन में चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम है, जिसमें कि इंदिरा गांधी रूल और बहुत सारी दूसरी इमरजेंसी सिचुएशंस की बातें की गई है. फिर क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर में इमरजेंसी में जो प्रॉब्लम हुई उनके बारे में बताया गया है. फिर राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स है, रीजनल एस्पिरेशंस है, और फिर रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स है. तो बेसिकली बात यह है कि ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके चैप्टर्स में से कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है. डोंट स्किप दिस बुक, डोंट स्किप एनीथिंग. ऑल दीज चैप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट, ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट टू गो. ये बिल्कुल अच्छे से आपको कवर कर लेना चाहिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है. ठीक है, तो ये अच्छे से कवर कर लेंगे. अब आते हैं अगले चैप्टर पर. अगला चैप्टर जो है आपका, अगला जो बुक है, अगली बुक जो है आपकी क्लास 12th की, वो है आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली. उसका कंटेंट यहाँ आप देख सकते हैं. इसमें क्या कंटेंट है? द कोल्ड वॉर एरा, जिसमें कि यूएसए और यूएसएसआर का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है. फिर है एंड ऑफ बाइपोलरिटी, जिसमें यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था. फिर यूएस हेजेमोनी है, जिसमें कि यूएसए की जो एक दादागिरी है, जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड की प्रॉब्लम होती है, उनके बारे में बताया गया है. चैप्टर नंबर 4 में ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर्स के बारे में बातें की गई है, जो कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. चैप्टर नंबर 5 है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, ये भी इंपॉर्टेंट है. इसमें कि आपके जैसे आसियान है और इस प्रकार के और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में है. फिर आपका चैप्टर नंबर 6 है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, एंड फिर एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स. इसमें ये एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज और ग्लोबलाइजेशन, ये जो दो चैप्टर है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो. लेकिन अब जैसे आप पूरी बुक पढ़ ही रहे हो तो ये दो चैप्टर भी क्यों छोड़ने, मतलब इफ़ यू हैव टाइम यू कैन गो फॉर इट, इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बट हाँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है. मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक सब इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना. तो बेसिकली बात यह है कि आपको ये क्लास 12th की एनसीईआरटी पूरी पढ़नी ही है. इसमें सारी चीज़ें पढ़ने लायक है, सारी चीज़ें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. इसीलिए पॉलिटी एनसीईआरटी का क्लास 12th जो है, उस क्लास 12th की बुक में से आप ज़्यादा कोशिश करें कि कुछ पढ़ें, कुछ छोड़ें ना. और इसको एक बार में पढ़ने से होगा भी नहीं, कम से कम इसकी 2 times रिवीजन होनी चाहिए, तब बात बनेगी, तब चीज़ें आपको याद भी आएंगी, तब चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी. ठीक है, तो 2 times यू नीड टू गो फॉर इट, राइट. तो ये हमारा आज का कंटेंट था. इस तरीके से मैंने आपको पूरा 6th to 12th की पॉलिटी के बारे में बता दिया है. अब मैं अगले चैप्टर में आपसे ज्योग्राफी की बातें डिस्कस करूँगी, जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी का कंटेंट बताऊँगी कि 6th to 12th ज्योग्राफी एनसीईआरटी में से क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या स्किप कर सकते हैं, क्या
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, इसमें हमने काफ़ी सारी बातें डिस्कस की। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं कॉमेंट्स में आप बता सकते हैं, और अगर आप चाहें तो गाइस टेलीग्राम पर हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं फॉर अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है NCERT आरती मिश्रा, और हमारे टेलीग्राम चैनल से ही आपको काफ़ी सारा हमारा जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू देन, टेक केयर।